सभी को नमस्कार साथियों, हमारे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश की सीरीज में आज हम पार्ट थर्ड पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ नए प्रश्न लिए हैं। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रकार के ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को अपने में समाहित किए हुए हैं, जिसमें टेंस, कॉनकॉर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आदि सभी शामिल हैं। तो ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस पूरी वीडियो में आपके साथ बना रहूंगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आपको सबसे पहले प्रश्न बताऊंगा और उसके बाद में हम एक एक करके उत्तरों को लेते रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर टू आवर सोसाइटी। इसके चार पार्ट आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और पांचवा पार्ट नो एरर है। नेक्स्ट है, ही इज वेरी ड्रंक सो कैनॉट टेल यू इवन हिज नेम। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। नेक्स्ट है, Never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. तो ये चार क्वेश्चन है। आइए अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के जिस पार्ट में मिस्टेक है वह है पार्ट बी, या होल्ड की जगह होल्ड का यूज करना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट होल्ड फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है जो अपने आप में करेक्ट है, इसमें नो एरर है। थर्ड है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है कि हमें हेड के बाद में फेस नहीं फेस्ड का यूज करना होगा। आगे है फोर्थ क्वेश्चन में, हमें द स्टूडेंट्स के बाद में हैव का यूज करना है, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इट इज बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट है, डू यू डाउटेड अबाउट the success of this boy who issued to working hard in all circumstances. Next question is, we would also like to help you if you intend to execute such lofty plans to welfare, plans the welfare of the society. So, fifth question ka answer hoga, think. थॉट नहीं होगा। इट इज बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग। छठे का उत्तर है, डाउट का यूज करना है, डाउटेड का नहीं, डू यू डाउट, पार्ट ए में गलती है। सेवंथ है जो करेक्ट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है, The unreasonable behavior of his daughter was thoroughly upset Mr. Gupta. Next है, Rajan abided by all the rules which were explained to him before the program. और next है, We were still talking about what we should do when we heard the children shouting. तो आठवें प्रश्न का उत्तर हमारे सामने आ रहा है
कि हमें वाज शब्द को हटाना पड़ेगा सी पार्ट में. द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता. नाइन्थ है जो अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, और टेंथ है यह भी करेक्ट सेंटेंस है. अगला है हमारे सामने बींग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एबसेंट ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट. इन फैक्ट बींग ए रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम. स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेराइटी ऑफ पब्लिक कैरियर्स. तो 11वें प्रश्न का 11th वाले क्वेश्चन का आंसर है कि हमें जो यूज टू बिफोर पार्टिकल डू, तो डी पार्ट में देखिए और टू डू मच ऑफ इट इस तरीके से हो जाएगा. 12th है कि हमें इट के पहले बिफोर के पहले इट का यूज करना है, जैसे बींग ए रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. नेक्स्ट है यूज ऑब्टेनिंग नॉट ऑब्टेन. तो देखिए इसमें जो सी पार्ट है इसमें मिस्टेक है. तो ये अपना देखिए 11th सेंटेंस हो जाएगा इट बीइंग ए रेनी डे इस तरीके से हो जाएगा 12th वाला, और 13th में जो है वो हो जाएगा द स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ पब्लिक कैरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड रादर डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल. नेक्स्ट है ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टॉलन एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी. नेक्स्ट है द सीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. तो 14th का आंसर है कि हमें कम का यूज करना है, केम का नहीं, पार्ट ई में. दे डिड नॉट कम विक्टोरियस. 15th है कि हमें लेफ्ट की जगह लिफ्टेड का यूज करना है सी पार्ट में. और 16 है डन की जगह हमें मेड, जो सी है उसमें देखिए मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. और नेक्स्ट है आई होप द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स हैड टेकन टू सप्रेस टेररिज्म. नेक्स्ट है ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल. तो 17th का आंसर है कि होप की जगह फियर होगा, आई फियर, ए वाले में मिस्टेक है. 18 है कि हमें यूज हैव बीन बिफोर लेफ्ट सी पार्ट में देखिए द अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ दी पार्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है Without taking proper care, the doctors could not have been saved this patient who received a bullet injury in the chest. Going towards them with some of tea in the tray, somebody knocked at the door. Or 21st day, shall you like to accompany us in the picnic which we are going to arrange today.
तो 19th का आंसर होगा कि हमें डिलीट बीन, तो अपने जो हैव बीन सेव्ड की जगह हैव सेव्ड ही करना पड़ेगा। 20th का आंसर है कि गोइंग का जो है वो एक पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है, और 21st में शैल की जगह विल का यूज हमें करना है, विल यू लाइक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्नड दैट ओनली दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे। और नेक्स्ट है, आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर मी। अब देखिए इसमें वन ये जो दिया हुआ है ना, ये एक जो है इसमें 22nd का आंसर है कि यूज वर बिफोर टेकन, तो डी पार्ट में देखिए ऑल द थिंग्स वर टेकन, और 23rd में जो है कि शैल की जगह विल की जगह हमें शैल का यूज करना होगा। इसी प्रकार से हमारे साथ आ रहा है 24th, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। और 24th का है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर होगा द कार हैविंग बीन ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज, ए पार्ट में मिस्टेक है। 25th है कि रिप्लेस टू ट्रेवल विद ट्रेवलिंग, ठीक है टू ट्रेवलिंग हो जाएगा, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवलिंग इन द रश आवर। और नेक्स्ट है कि टू रिप्लेस टू हैव विद हैविंग, ही डिनाइड टू हैविंग बीन देयर, हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे ये है, थैंक्स फॉर योर टाइम और कीप वॉचिंग आवर वीडियोज ऑन आवर चैनल नॉलेज डायरी 1, नाइस लर्निंग। ठीक इसी प्रकार से हमारे और वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।